नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ टेक। सो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसका रीज़न आपके सामने है। मेरा स्मार्टफोन टूट गया था, तो यार सारे काम मैं स्मार्टफोन से ही मोस्टली करता हूँ, तो गाइस स्मार्टफोन ही टूट गया तो काम कैसे होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमने इसे रिपेयर करवा लिया है और वापस आ चुका हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम जानेंगे ऐसे 12 एप्लीकेशन के बारे में जो कि अंडर 1 MB आते हैं लेकिन कमाल के होते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है AP15 लॉन्चर। तो दोस्तों, ये लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उनके आइकन्स शो नहीं होते, सिर्फ उनके नाम शो होते। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करके रखते हैं एप्लीकेशंस को, जिन जिन एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशंस के टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं, यूसेज के अकॉर्डिंग ही इसके साइज़ में इंक्रीमेंट होता है और फिर ये छोटे भी होते जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि यार यहाँ पे आप इन सभी एप्लीकेशन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप इसकी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर गाइस आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में अलग चीज़ें लगा सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में जो आपको डार्क डार्क सा दिख रहा होता है वो चीज़ भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, सो वर्ड सर्च लाइट। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन है जो कि आपके वोकैबुलरी को तेज करेगा। जैसे यार काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो ऐसे में गाइज यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और गाइज आपको जो है वहाँ पे उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा। इन मिस्ट्री बॉक्सेस में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में आपको उन वर्ड्स को ढूंढ करके उस एरो को क्रिएट करना पड़ेगा, और गाइज जैसे जैसे वर्ड्स बनते जाएंगे वैसे वैसे वो वर्ड्स जो है यहाँ पे बॉटम में डिम होते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करके जो है लेवल को क्रॉस करना है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है इंटरनेट स्पीड मीटर। तो गाइस, तो यूँ तो सारे स्मार्टफोन्स में आजकल आने लगे हैं डेटा स्पीड जो कि शो करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी भी ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको टोटली सारी चीज़ें बता देगा कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है यहाँ पे JTouch। तो दोस्तों, अंडर 1 MB आता है, लेकिन गाइस ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि यार यहाँ पे सिंगल एप्लीकेशन की मदद से हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर अगर आप एक बार टैप करते हैं तो आप अलग काम करवा पाएंगे, अगर दूसरी बार टैप करते हैं तो अलग काम कर पाएंगे, डबल टैप पर अलग काम करवा पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सभी कामों को आप यहाँ पर आकर के सेट कर सकते हैं, और फिर आप इस फ्लोटिंग बटन पे अगर एक बार टैप करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आपके सामने है, डबल टैप करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन आपके सामने है, और फिर स्वाइप डाउन करेंगे तो गाइस आपके सामने जो है कुछ नोटिफिकेशन टॉगल्स आ गए, स्वाइप अप करेंगे तो लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के शॉर्टकट्स जो है आपको यहाँ पर इस सिंगल एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है स्नैप टाइम। तो दोस्तों, ये एक तो सिंपल कैमरा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, खैर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसकी मदद से आप कोई भी फ़ोटोज़ को क्लिक करोगे ना तो उस डेट का और वो टाइम जो है आपके फ़ोटोज़ के नीचे शो हो जाएगा। तो वैसे अगर कहीं पे किसी प्रूफ की तरह आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है क्लिक टू चैट। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि यार हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं अननोन बंदे को, बट उसके नंबर को सेव नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप वो काम कर सकते हैं, नंबर को बिना सेव किए उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है पेंट। तो गाइस, पेंट जो है सिंपल एप्लीकेशन है, पेंट वाले आपको सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप इसे यूज़ करके कभी बोर हो रहे होंगे तो यार अपनी बोरियत को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिव अपना दिमाग लगा करके कुछ नई नई से अमेजिंग सी पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पेंटिंग वेंटिंग करना पसंद है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को ट्राई करने के बाद गाइस आप जो यहाँ पर अलग अलग से मस्त मस्त ड्राइंग बनाएंगे वो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड भी कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों ये होगा कि यार आपका नाम जो यहाँ पे आने वाली वीडियो में शाउट आउट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है फ्लैशलाइट। सभी स्मार्टफोन में फ्लैशलाइट होती है आजकल, और उसे इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन भी होता है, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें होती है वो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही जाकर मिलती है, और नोटिफिकेशन पैनल जो है हमारा मोस्टली फ़ोनों में ऊपर से आता है। तो ऐसे केस में आप इस सिंगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अंडर 1 MB है तो गाइस स्पेस भी नहीं लेगा, और आप इसे अपने हाथ जहाँ का जहाँ पर सेट है वहाँ पे आप इसके आइकन को रख सकते हैं, और सिंगल टैप करेंगे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा,
सिंगल टैप करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, फ्लैश को ऑन ऑफ करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, उसका नाम है स्टेटस सेवर। तो व्हाट्सएप पे आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टेटस है, तो गाइज ऐसे काफ़ी स्टेटस होते हैं जिसे देख करके हमारा मन कर जाता है कि यार इस स्टेटस को मैं अपने फ़ोन में सेव कर लूँ। वैसे एक ट्रिक है जिसमें कि हम किसी एप्लीकेशन के बिना भी उन स्टेटस को अपने स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो व्हाट्सएप पर जाकर के आप कोई भी स्टेटस अगर देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस सिंगल एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाएगा। और गाइज आप उसे अपने SD कार्ड पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर कह लो इसे आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर शेयर भी कर सकते हैं। सो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है PDF रीडर। तो दोस्तों PDF रीड करने के लिए काफ़ी सारे आते हैं, लाइक WPS ऑफिस, उस टाइप के और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं। लेकिन ये सिंगल एप्लीकेशन जो कि साइज़ में काफ़ी छोटा है और आपके हर PDF को जो है नॉर्मल बेसिक PDF की तरह जो ओपन कर देगा, लाइक बड़े बड़े PDF रीडर जितने भी होते हैं उनकी तरह ये आपके लिए PDF ओपन कर देगा। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, ओपेरा न्यूज़ लाइव। तो दोस्तों अगर आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं, हमेशा नए नए न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके जो यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखाते हैं। और दोस्तों न्यूज़ भी किसी सिंगल लैंग्वेज में नहीं, आप जिन जिन लैंग्वेजेस में देखना चाहते हैं, जिस कंट्री के न्यूज़ को देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली गाइस अगर आप टैप करते हैं वहाँ पर और फिर गाइस टैप करते हैं यहाँ पर, तो गाइस आप देख लीजिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ अवेलेबल है, तो इन सभी कंट्रीज़ की आप जो है न्यूज़ को अपने स्मार्टफोन के अंदर देख सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन इस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है गाना लाइट। तो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि यार ये एप्लीकेशन गाना जो है काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है और काफ़ी सारे गाने वाने इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके स्मार्टफोन में स्पेस नहीं है, आप इसके गाने के बड़े वाले वर्जन को यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इस सिंगल एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं जो कि अंडर 1 MB आता है और आपको सेम टू सेम गाना जैसा फील ही दे देगा। लाइक थोड़ी लैग वैग वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, बट आने वाले टाइम में वो भी सही हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।